मानयोग श्रोतागण साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर महीने वांग इस वारी आपां हार दी संग्राम दीआं कुछ गल्लां करांगे। हार दी संग्राम आप सब नूं मुबारक होवे, परिवार सुखी वसण, माहौल मंगलमई होवे। इस अरदास नाल आपां कुछ बोल सांझे करिए। संस्कृत विच आषाढ़ बिक्रमी संवत दा चौथा महीना है। आषाढ़ नूं हाड़ लिखिया है। जेठ अते हाड़ दे महीने धरती पट्ठी बन जांदी है। मां कहा करदी, पीलां पकाउण लई रब ने तवी तपा लई है। राड़े अखर दे पैर हेठों अद्धा हाहा हटा दईए तां शब्द बनदा है हाड़। इसका मायना है प्रेत, जिन्न। हाड़ अते हाड़ दोहां शब्दां विच फर्क है। जे हाहा हटा दईए तां हाड़ मैने जिन्न, प्रेत। इन्हीं दिनी कलरां रोइयां विच हाड़ बोलदे असीं आप सुणे। फरां दे रुख सीटियां मारदे जिवें अजगर फुंकारदे होण, जिन्न दहाड़दे होण। गर्म लूआं जिसम झुलसदियां होईयां लंघदियां। दुपहरे खेत रोटी लैके जांदियां सिवियां तों परे हट के वल पा के लंघदे। मैं अपने चाचे दे मुंडे नूं आखदा, मैं तां बच जाऊँगा क्योंकि कड़ा पहनिया होया है, तूं की करेंगा। जे जिन्न टक्कर गया, वह फखर नाल जेब उपर लगा निक्का जिहा बक्सूआ दिखा के आखदा, आह देख लोहा देखण सार जिन्न थर थर कंबन लग जांदे। मैं सोचदा, इसे करके तो गुरु महाराज ने सरबलो वरतण का हुक्म दिता। सर्दियों विच वी किधरे जावां, पानी की बोतल मैं नाल रखदा। भाई मरदाना जी नूं बाबा जी का हुक्म सी, पैसा टका खाण पीण पहनण की कोई वस्तु नाल नहीं चुकनी। इन्हां महीनों विच एशिया दीआं लंमीआं वाटां किवें तय कीतीआं होणगीआं। प्राचीन पंथ प्रकाश विच भाई रतन सिंह भंगू जी का कथन है, बाबे की गत बाबो जाणै कह जाणै जो नाल फिराणै। महाराज दीआं करनीआं महाराज ही जाणदे ने, जां फिर वो जाणदे होणगे जिहड़े उन्हां दे नाल नाल तुरे सी। तुरे जांदिआं भाई मरदाना जी नूं प्यास लगी, पाणी मंगिआ। बाबा जी ने कहा, इत्थे जंगलां रोईआं विच कित्थे पाणी। भाई जी ने आतुरता जाहर की, बाबा जी ने कहा, ओ देखो गिदड़ां दी डार जा रही है, जीबा लमकदियां हन, प्यासे हन, इन्हां नूं पता है पानी कित्थे है, इन्हां पिछे चलीए। दो तालाब देखे, पहले तालाब दा पानी सुंघ के गिदड़ छड गए, अगले तालाब तो पानी पीण लगे। बाबा जी ने कहा, चख के देखो भाई जी, पहले तालाब दा पानी पीण योग नहीं होना। भाई मरदाना जी ने चख्या, दस्या महाराज कौड़ा है। अगले तालाब का मिठा पानी पी के बाबा जी ने कहा, आदमी सुंघ के नहीं पछाण सकता, पशु पछाण जाते हैं। आदमी अपनी अकल ते किस वास्ते माण करता फिर। मोहन राकेश ने जंड वाली गली अमृतसर विच जन्म लिया। पंजाबी विच नहीं हिंदी विच निग्गर साहित्य की रचना की। वो हिंदी विच लिखना सी लिखी जाता, पर इन्नी औखी हिंदी क्यों लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी दी उसने कहा था, जां कृष्णा सोबती दी जिंदगी नामा वर्गी हिंदी लिखदा। उसका नाटक हाड़ दा एक दिन पढ़ के देखना दंग रह जाओगे। मणि कौल ने 1971 विच इस उपर फिल्म बनाई सी, जिसनों फिल्म फेयर का पहला इनाम मिलिया। एक नहीं हाड़ दे तीन दिन दिखाए हैं। एक एक दिन विचकार मुद्दतां दे वक्फे। ग्रां दी कुड़ी मलिका दी कालीदास नाल शांत खामोश प्रीत। कालीदास नूं राजकवि दे सन्मान नाल नवाज के उज्जैन दे महाराजे ने अपने महलां विच रख लिया। फिर कश्मीर दा हाकम थाप के श्रीनगर भेज दिता। वो भुल ही गया कि मलिका नाम दी इक कुड़ी मेरे पिंड विच होया भी करदी सी। मलिका भोज पत्ते इकट्ठे करदी रहिंदी, स्यों स्यों के किताब बनाउंदी रहिंदी। इन्हां कोरे वर्कियां उत्ते महाकवि आएगा, रचना करेगा, तां उस विच मेरा हिस्सा भी तां होएगा ना। बदलों वल देख के माँ नूं आख्या करदी, सारे बदल उजैनी वल क्यों जाई जांदे ने माँ, चलो जांदे ने तां जाण, फिर वापस क्यों नहीं आउंदे। मुद्दत बाद कालीदास ढलदी उमरे पिंड पुज्जा, मलिका दे घर गया। मलिका ने कहा, यकीन नहीं कि तू तू ही है, तैनू देखण वाली मैं ही हाँ कि कोई होर तैनू देख रहा है। कालीदास का जवाब, दृश्य ओने नहीं बदलते मलिका जिन्नी दृष्टि बदलती है। कोरे कागजा का ग्रंथ कालीदास नूं फड़ाउंदी है। इस उपर तू काव्यनाट लिखने सन कालीदास। कालीदास देखता है, थां थां सुक्कियां रंग बिरंगियां फुल पत्तियां हन, थां थां सुक्के हंझुआं दे निशान। कालीदास आखदा है, कोरे नहीं ये वरके मलिका, इन्हां उपर तेरा महाकाव्य लिखिया जा चुका है, अनंत सरगां दा अमर महाकाव्य, मैं इस उपर हुण की लिखना। मेघदूत दे करता कालीदास की कथा वाचण वेले
राकेश ने सावन का महीना क्यों नहीं चुनिया, हाड़ का क्यों? क्योंकि कथा उसने कालीदास की नहीं मलिका की सुनानी सी, जिस दे जीवन में सावन है ही नहीं सी। कालीदास की कथा अगले महीने सावन के संगरांद के दिन सुनावांगे। पाठको उड़ीकना तुहानू मंगलमई लगेगी। गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह का शब्द पढ़िए ते सुनिए। आषाढ़ भला सूरज गगन तपै, धरती दुख सहै, सुख है अगन पखै, अगन रस सुख है, मरिए धुख है, भी सो कीर्तन हारे, रथ फिरे छाया धन ताके, टीड़ लवै मंझ बारे, अवगण बाद चली दुख आगे, सुख तिस साच संभाले, नानक जिसनों ए मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। अर्थ हन, हाड़ दा महीना चंगा है, असमानी सूरज तपदा है, धरती धुप दा दुख सहिंदी है, सूरज जल सुका दिंदा है, धरती अग्नि वांग तपदी है, जी जंत धुख धुख मर रहे हैं, तां भी सूरज अपना करतब नहीं छड़दा। सूरज दा रथ फिरदा है, जीव इस्त्री छां भालदी है, बार दे इलाके विच बींडे गाउंदे हन, औगणा दी पंड चुकी इस्त्री चल पैंदी है, परलोक विच भी दुख मिलेगा, सुख उसनू मिलेगा जो मालक नू चेते रखेगा। जिसनू सिमरन करन वाला मन मिल गया, वह जिउंदी भी मोई भी रब्बी संगत माणदी है। इन्हां शब्दां नाल आप जी तो खिमा मंगदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।